हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी करा दी है पास्ट इंडेफिनिट की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी या रहे थे यूज़ होता है। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी या रहे थे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था या रही थी या रहे थे इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जिस क्रिया में रहा था या रही थी इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आई, शी, ही, इट, राम के साथ वास का यूज होगा तथा अन्य के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सीखे। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। आई वाज रीडिंग, आई वाज नॉट रीडिंग या वाज आई रीडिंग, Why was I reading? Simple sentence, negative sentence, interrogative and WH family. Use कैसे होगा? सबसे पहले subject plus was या were plus verb की first form plus ing. Was या were के साथ ing जुड़ेगा verb की first form के साथ। Subject was were verb की first form plus ing. Person, singular and plural, first person, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। प्लूरल में, हम लोग पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग, सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, उसके साथ आई एन जी, हम लोग पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, तुम पढ़ रहे थे, सिंगुलर है। यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। इसे सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी यूज़ करते हैं यू को। तुम लोग पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। तुम लोग पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। थर्ड पर्सन, वे राम पढ़ रहा था। ही शी इट राम वॉज रीडिंग, ही शी इट राम वॉज रीडिंग। वे लोग या लड़के पढ़ रहे थे। दे द बॉयज वर रीडिंग, दे द बॉयज वर रीडिंग। अब मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए अलग से। मैं जा रहा था, मैं सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब वाज और क्रिया गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। सेकेंड इज, वे मेरी मदद कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग मी, ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज, क्रिया मदद, हेल्प। वे मेरी मदद कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग मी। तुम मुझे गाली दे रहे थे। यू वर अब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली दे रहे थे। यू वर अब्यूजिंग मी, यू वर अब्यूजिंग मी। राम सेब खा रहा था। राम वॉज ईटिंग एप्पल, राम सेब खा रहा था, राम वॉज ईटिंग एप्पल। छात्र जवाब दे रहे थे। द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग, छात्र जवाब दे रहे थे। द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग। मैं दूध पी रहा था। आई वॉज ड्रिंक मिल्क, पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंक मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। हम लोग देश की सेवा कर रहे थे। वी वर सर्विंग द कंट्री, सेवा करना, सर्व प्लस आई एन जी, हम लोग देश की सेवा कर रहे थे। वी वर सर्विंग द कंट्री। मेरी माँ मुझे प्यार कर रही थी। माई मदर वॉज लविंग मी, मेरी मदर, माँ मुझे प्यार कर रही थी। माई मदर वॉज लविंग मी। वे दिल्ली को जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली को जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। हम सोने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू स्लीप, हम सोने जा रहे थे।
वी वर गोइंग टू स्लिप। नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारी वाज़ या वर प्लस नॉट, वाज़ या वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। अब मैंने इसके कुछ सेंटेंस लिए। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब वाज, वाज के साथ नॉट, क्रिया हो रही है जाने की को, उसके साथ आईएनजी। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। सेकेंड इज वे मेरी मदद नहीं कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, नॉट हेल्पिंग मदद करना, ऑन ऑब्जेक्ट वे मेरी मदद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट अब्यूजिंग मी, गाली देना अब्यूज़ प्लस आई एन जी, तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट अब्यूजिंग मी। राम सेब नहीं खा रहा था, राम वॉज नॉट ईटिंग एप्पल, राम सेब नहीं खा रहा था, राम वॉज नॉट ईटिंग एप्पल। फिफ्थ इज छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट आंसरिंग, जवाब देना आंसरिंग, छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट आंसरिंग। मैं दूध नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सेवन्थ इज हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट सर्विंग द कंट्री, देश कंट्री, हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट सर्विंग द कंट्री। एट्थ इज मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी, माई मदर वॉज नॉट लविंग मी, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी, माई मदर वॉज नॉट लविंग मी। नाइन्थ इज हम सोने नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्लिप, हम सोने नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्लिप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, माई वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब एग्जाम्पल लिए, क्या मैं जा रहा था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट आई, क्रिया गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग, वॉज आई गोइंग। सेकेंड इज क्या वे मेरी मदद कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट ही, क्रिया हेल्प, ऑब्जेक्ट मी, क्या वे मेरी मदद कर रहा था, वॉज ही हेल्पिंग मी, वॉज ही हेल्पिंग मी। क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग मी, क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग मी, वर यू अब्यूजिंग मी। क्या राम सेब खा रहा था, वॉज राम ईटिंग एप्पल, क्या राम सेब खा रहा था, वॉज राम ईटिंग एप्पल, वॉज राम ईटिंग एप्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सबसे पहले यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा। सेंटेंस देख लेते हैं, क्या छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, नॉट सब्जेक्ट के साथ नॉट, एंड हेल्प वर्ब आंसरिंग, वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग। क्या छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग। सिक्स इज क्या मैं दूध नहीं पी रहा था, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के साथ नॉट, वर्ब क्रिया ड्रिंक, ऑब्जेक्ट मिल्क, क्या मैं दूध नहीं पी रहा था, वाज आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सेवन्थ इज क्या हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नॉट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्व प्लस आई एन जी, देन देश द कंट्री। क्या हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट सर्विंग द कंट्री, वर वी नॉट सर्विंग द कंट्री। क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी,
वाज माई मदर नॉट लविंग मी, क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी? वाज माई मदर नॉट लविंग मी, वाज माई मदर नॉट लविंग मी, क्या वे खेलने नहीं जा रहे थे? वाज ही नॉट गोइंग प्ले, क्या वे खेलने नहीं जा रहे थे? वाज ही नॉट गोइंग प्ले, वाज ही नॉट गोइंग प्ले, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे थे? वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे थे? वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। डब्ल्यू एच फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे का प्रयोग। डब्ल्यू एच फैमिली हमारी व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर प्लस माय सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस, मैं कब जा रहा था? सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली व्हेन, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट आई, क्रिया गोइंग, मैं कब जा रहा था? व्हेन वाज आई गोइंग, वे क्यों मेरी मदद कर रहा था? डब्ल्यू एच फैमिली व्हाई, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हेल्प, ऑब्जेक्ट मी, वे क्यों मेरी मदद कर रहा था? व्हाई वाज ही हेल्पिंग मी, तुम क्यों मुझे गाली दे रहे थे? व्हाई वर यू अब्यूजिंग मी, गाली देना अब्यूज, तुम क्यों मुझे गाली दे रहे थे? व्हाई वर यू अब्यूजिंग मी, राम कब सेब खा रहा था? When was Ram eating apple? Ram कब सेब खा रहा था? When was Ram eating apple? When was Ram eating apple? और negative sentence में use करेंगे WH family का When, why, how? Plus में helping verb was या were? Plus में subject, subject के साथ not का use होगा, plus verb की first form, plus ing। सबसे पहले WH family, फिर helping verb, then subject। सेंटेंस, छात्र क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? डब्ल्यू एच फैमिली वाई, हेल्पिंग वर वर, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स एंड नॉट, क्रिया आंसर। छात्र क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग, छात्र क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग, वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग, मैं कैसे दूध नहीं पी रहा था? How was I not drinking milk? WH family helping verb then subject, subject के साथ not, पीना, drink, ये क्रिया है हमारी milk, मैं कैसे दूध नहीं पी रहा था? How was I not drinking milk? हम लोग कैसे देश की सेवा नहीं कर रहे थे? How were we not serving the country? हम लोग कैसे देश की सेवा नहीं कर रहे थे? How were we not serving the country? How were we not serving the country? मेरी माँ मुझे कब प्यार नहीं कर रही थी? When was my mother not loving me? मेरी माँ मुझे कब प्यार नहीं कर रही थी? When was my mother not loving me? When was my mother not loving me? हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे? Why were we not going to Delhi? हम दिल्ली को क्यों नहीं जा रहे थे? Why were we not going to Delhi? Why were we not going to Delhi? उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।